चलो। ओ बच गए बच गए बच गए। ये देखो भाई क्या कंडीशन हो रखी है। पिछले 2.5-3 महीनों से ये गाड़ी खड़ी थी। ये सीट मैंने अभी स्टार्ट करने से पहले साफ कर ली थी। बाकी गाड़ी देखो इतनी गंदी हो रखी है, डस्ट की एक अच्छी खासी परत है। और अब ये देखो जो बाइक की वॉशिंग के लिए हम आए हैं, ये बाइक का ही मोटर लगा हुआ है, इसी से ही ये पानी नीचे टैंक से ऊपर आता है। स्टार्ट हो गई और ये उधर पानी चालू हो गया। मेरे घर के पास में ही है श्री श्याम होंडा केयर सेकेंड हैंड सर्विस का। यहीं पर ही गाड़ी की अपनी सर्विस, साफ सफाई और जो भी वॉशिंग क्लीनिंग का काम है वो सारा हो जाता है। और राजकुमार जी लगे हुए हैं जम के साफ सफाई करने में। और ये पहुंच गए हम अपने स्टैचू सर्कल जो हमारा मीटिंग पॉइंट है। कपूर साहब कपूर साहब कपूर साहब। ये तो है हमारे एयरबोर्न राइडर के रॉयल एनफील्ड बाइक्स का पूरा लाइनअप। और आज एक्चुअली तो मैं फील कर रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता, ये ऐसा फील हो रहा है जो स्कूल टाइम के जो कुछ एक फ्रेंड्स होते हैं ना जिनके साथ में आप रीयूनियन करते हो, वैसी सी फीलिंग है। ये सारे वो राइडर्स हैं, सारे नहीं सॉरी कुछ एक राइडर्स वो हैं जिनके साथ में मैंने राइड करना शुरू किया था 2003-04 मैं इनसे जुड़ा था। और 6-7 के बाद मैं एयरवन ज्वाइन करके इनके साथ में राइड करना चालू कर चुका था। उन लोगों के साथ में आज फिर से मैं राइड करूँगा। और ये देखो जब आती है तो इस तरह से साउंड करती है। अभी हम लोग स्टैचू सर्कल पर हैं। बाय द वे खंबाखंडी एंड फरमचरी में आप स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। आज की राइड मैं रॉयल एनफील्ड हमारे एयरबोर्न राइडर्स के साथ में करने वाला हूँ। बना और अमसा राइड से पहले क्या करना है वो सारी प्लानिंग करते हुए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे एयरबोर्न राइडर रॉयल एनफील्ड ग्रुप का, वो ये है कि हमारा कॉन्वे हमेशा एक प्रॉपर मैनर वे में डिसिप्लिन से चलता है। और जब राइड के लिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले जहाँ पे भी मीटिंग पॉइंट है असेंबल होते हैं ना, वहाँ पे भी हमारी सारी बाइक्स मेन स्टैंड पे जस्ट फ्रंट को फेस करते हुए इस तरह से खड़ी होती है। और ये शुरू कर दी है आज की राइड हमने, नाइट राइड, सही शानदार और स्मूथ वाली राइड होगी। एक्चुअली हम लोग इसमें प्रॉपर कॉन्वे फॉलो करते हैं, ना कोई ओवर स्पीडिंग करता है ना कोई क्रॉस करता है, सब प्रॉपर एक लाइन से चलेंगे, ढंग से चलेंगे, स्पीड मेंटेन करते हुए। एज ऑलवेज सिटी राइड में हमेशा की तरह कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग पीछे रह गए। रेड लाइट में जहाँ रुके वहाँ हम पीछे रह गए, कुछ जो ग्रीन में निकल चुके थे वो आगे चले गए हैं। सो इसीलिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, ग्रीन लाइट हो गई चलो, पहले तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि सिटी क्रॉस करने के बाद जो होटल हाईवे किंग आता है वहाँ पे एक फिर से असेंबल करेंगे। कुछ राइडर्स डायरेक्टली हमें वहाँ भी ज्वाइन करेंगे और हम लोग सब वहाँ पे मिलके फिर एक साथ राइड करेंगे। ए मनीषा मेरी जान, क्या हाल चाल है भाई? मांग के लाया हूँ। और बता बढ़िया बढ़िया मजे में? मस्त हूँ। बड़ा प्रो रखा है? कहाँ प्रो रखा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बस। क्या हाल चाल है कौशिक जी? बढ़िया, मजा आ गया यार, मजा आ गया। दिल का एक ठंडक वाली जो होती है फीलिंग, वो वाली आ गई है। ये है देखो एक्चुअल रॉयल एनफील्ड पुराना एक इंजन। इसमें जब आप गाड़ी बंद रखते हो ना तो इसको पेट्रोल को ऑन ऑफ कर देना होता है। और इसके अलावा देखो आपको गियर जो है ना, ये रहा किक, ये न्यूट्रल किक, और ये इसका जो भाई गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ। और ये है इसका गियर शाफ्ट, इसी से ही बाइक में गियर चेंज होते हैं। ये वाली गाड़ी यार हम इसी से ही राइड किया करते थे, इसी से ही मज़ा आता था एक्चुअली चलाने का। और मैं आज यही वाली बाइक चलाने वाला हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं होटल हाईवे किंग। यहाँ पे हम सारे असेंबल हो गए हैं, कुछ एक दो और जने अभी आने बाकी हैं, उनके आते हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारी बाइक भी हो गई, ऑलमोस्ट शायद हम लोग 22-23 लोग हैं जो साथ में राइड करेंगे। कुछ बहुत पुराने मेरे साथ के राइडर्स भी मिल गए, मनीषा जिसको अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक्चुअल नेम उसका मनीष है, बट वो मुझे और मैं उसे एक दूसरे को ऐसे इसी नाम से ही बुलाया करते थे। और ये पुराना इंजन है जो पहले कास्ट आयरन इंजन आया करता था। ये चलाने का जो फील है ना, और उससे पहले जो इसको स्टार्ट करना, किक स्टार्ट करना जो होता है ना, वो एक आर्ट है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये तो पहले अपने को गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करनी होती है, इग्निशन ऑन किया और ये यहाँ पे किक देने से पहले ये यहाँ से इसको पहले एक बार डीकॉम किया, ये इस तरह से, ये ज़ीरो, और फिर उसके बाद में ये ऐसे स्टार्ट किया। नहीं हुई, मैं भूल गया, बट रुको मैं फिर से इसको करके दिखाऊंगा। और ये देखो स्टार्ट हो गई, ये इसका साउंड सुना आप लोग, ये है एक्चुअल बुलेट का साउंड, पुरानी वाली जो बुलेट हुआ करती थी ना उसका साउंड। सबसे बड़ी बात ये ओरिजिनल कंडीशन में है, जो इसके ओरिजिनल पार्ट्स आए थे उसी पार्ट्स पे अभी भी रनिंग है। अब ये मैं चलाऊंगा, तू वाली चलाना। राइट,
कॉन्वे पूरा रेडी हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ से ये फ्यूल को ऑन कर लिया, फिर इधर से ये इग्निशन इंजन, और फिर उसके बाद ये इधर से इसको डीकॉम किया, और अब ये किक देके इसको स्टार्ट कर लो। और ये देखो क्या बात है, ये आर्ट है यार, और ये आर्ट मैं भूला नहीं हूँ, सबसे खुशी इसी बात की है। और ये देखो इसको एडी से ऐसे ऊपर उठाया, फिर बाकी पंजे से उतारते जाओ, ये गियर लगता है। क्या सही नपा हुआ साउंड आ रहा है ना, बिल्कुल डुग 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 डुग, एक्चुअल रॉयल एनफील्ड वाला जो फील है वो आ रहा है। और ये फील पता है क्या होता है, जस्ट आपके पैर बिल्कुल सिटिंग पोजीशन पे है, कमर सीधी है और सीना बिल्कुल चौड़ा आगे की तरफ, और हाथ यूँ बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ, और ऐसे में डुक 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 करते हुए चलो। और ऊपर से नाइट राइड के टाइम पे जो हल्की हल्की सी ठंडी हवा और लग रही है ना, यस दिस इज कॉल्ड थेरेपी, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल राइड। धीरे चला रही हो तो धीरे चलाओ, और अगर ऐसे हाईवे पे खींच रही हो ना तो भी भाई ये बराबर टक्कर देती है, बराबर वाली। मनीषा मेरी जान थोड़ा खींचो यार, जस्ट ऐसा लग रहा है कि जो मैंने शुरुआत करी थी ना जैसे स्टाइल में राइड करते थे, ये पुराना इंजन, ये पुराने तरीके की राइडिंग स्टाइल, उसी तरीके से, और वही सारे दोस्त जिनके साथ में मैंने राइड स्टार्ट करी थी। भाई अमेजिंग फील, मजा आ गया आज की राइड में। हाईवे पे हम लोग अभी रुक गए हैं थोड़ा, जो कुछ आगे निकल गए थे वो हमारा वेट कर रहे थे, जो कुछ हमारे पीछे रह गए थे वो अभी आ रहे हैं, उसके बाद में शायद यहीं कहीं से अपन अंदर जाएंगे अपन, शायद उससे पहले कुछ डिनर विनर का भी कुछ कर लें। बट ऑसम फील था भाई, मज़ा आ गया था। बाकी जो अभी मैं चला रहा था ना वो भाई की थी, चलाने का जो फील था कैन नॉट एक्सप्लेन, बट भाई उसे रुकने का कोई सतूना नहीं था, तो मैं जानता हूँ दिल कैसे धड़क रहा था उसका। और ये है रॉयल एनफील्ड का मजा, कहीं से भी निकाल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी टर्न, ये खींची और ये निकाली कहीं से भी, और अब यहाँ से हाईवे छोड़ के हम निकल रहे हैं बिचून की तरफ, बिचून से हम लोग सांभर की तरफ जाएंगे। ऐसे खड्डों में तो भाई हिमालयन का जवाब नहीं है, हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं, बट वो तो बस खड़े होते हैं और जिप जैप जूम हो जाता है। बट अब चलते चलते ऐसे रास्तों पे आ गए हम लोग जहाँ पे सिर्फ हम चल रहे हैं, इसके अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है, और पूरा सुनसान है। हाँ हाँ हाँ, आसपास जो खेतों की खुशबू है, और ये अभी आजकल जो नीम की जो कलियाँ आने लगी है ना उसकी खुशबू क्या महक रही है, ब्रीदिंग बहुत फ्रेशली। यस मनीषा क्या हुई, थक गई तुम राइड करते करते? मनीष और मैं, हम जब से मिले हैं तब से हमने आपस में एक दूसरे के नाम कभी एक्चुअल नेम से नहीं लिया है, और आपस में जो मजे लेते हैं हम दोनों, नो डाउट कोई कंपैरिजन नहीं है, और उसका वो दिन वापस वाकई में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और आज उन्हीं दिनों को जी रहा हूँ। और इन सब में सबसे मज़ेदार चीज़ तो क्या होती थी, मनीष को भी फोटोग्राफी का शौक है, मुझे भी फोटोग्राफी का शौक है, बट ऐसे में होता क्या था, ग्रुप की और सबकी फोटोज़ तो हम तो ले लेते थे, बट हमारी फोटोज़ कोई नहीं लेता था, और हमारी ही फोटो सब में मिसिंग हुआ करती थी। क्या हुआ, सीधे चलेंगे ना अपन, क्यों रुके फिर अपन? अच्छा कुछ पीछे आ रहे हैं उनके लिए, इस लोकेशन पे तो रास्ते बन रहे हैं, यहाँ रोड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और ये जो ऊबड़ खाबड़ से हो रखे हैं ना ये बड़ा कंसंट्रेट करने को मजबूर कर रहे हैं। राइड एंजॉय तो कर रहे हैं बट थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, और ऐसे में थोड़े बहुत कच्चे रास्ते, बट ठीक है, एक जॉइंट एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग का, हाईवे का, कच्चों का, पक्कों का, खाली सड़कों का, ट्रैफिक का, पूरा कम्प्लीट, एक कम्प्लीट पैकेज हो गया। इन रास्तों में रेत है, रेत की वजह से बैलेंस करना थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा लेट हो गया, अभी मनीष आगे चल रहा है और मैं पीछे चल रहा हूँ, वो जस्ट गिरते गिरते बचा था, और उस चक्कर में मैं उससे जाके चिपकता, वो वाला शॉट लेना चाहिए था बट वो मिस हो गया, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था। वो शॉट इसलिए लेना चाहिए था कि वो दिखाना चाहिए था कि किस तरह से ऐसे टाइम पे हमें बाइक को ध्यान से और कंट्रोल करके चलाना चाहिए, ये नहीं कि मैं कुछ आपको नेगेटिव दिखाना चाह रहा था। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं सांभर लेक में, आप लोगों को शायद कैमरे पे दिखाई नहीं दे रही होगी बट ये पूरी व्हाइट व्हाइट सी एक चादर सी है, इसमें जो धूल उड़ रही है ना ये भी थोड़ी सी नमकीन सी, ये एक्चुअली देखो ये आप देख रहे हो ये नमक का पानी है, पूरा नमक की झील है, ऐसे में क्या ये थोड़ी सी ऐसी चिकनी भी हो जाती है, ऐसे में ये आगे एक भाई अपना स्लिप हो गया, गिर गया,
हो गई पूरी गंदगी, पूरा कादा है वो भी नमकीन कादा। लगी तो नहीं ना? नहीं लगी, नहीं लगी ना। चलो ओ रे रे रे, ये क्या हो गया? ओए ओए, अभी तो मैं भी नहीं बोलूंगा क्या होने वाला था, बट बच गए। यहीं की एक बहुत अच्छी फोटो थी हम दोनों की, ब्लू चश्मा और बाइक के पास बैठ के, ऑलमोस्ट वो थी शायद 2013 या 14 हम की। दिखावा कर रहे थे ट्रक चलाने, हम ट्रैक्टर चलाने का दिखावा कर रहे थे 2013 या 14 की, वो शायद हम लोगों की ट्रिप थी। बट फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। मुझे आगे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये रोशनी ऐसे पड़ रही है, बट पीछे की तरफ आप लोग देखने की कोशिश करिए, ये तो पूरा लाइनअप है। और दूर तक अगर आप लोगों को दिखाई दे तो सिर्फ और सिर्फ खाली और खुला है। ऐसे ही नीचे देखेंगे तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे नमक है, फिर ये मिट्टी है और मिट्टी के नीचे पूरा अच्छा खासा कादा। ऑलराइट, ये जो कुछ पीछे रह गए थे वो भी आ गए। भाई 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 ध्यान से, हम भी गिरे हैं अभी। ये कम है क्या, ऐसे बैठे लेटे, इसके अलावा और क्या चाहिए बताओ? सामान मतलब मेरे पास। तू किसी भी चीज में जा, 200 मीटर आगे सीधा जा, अकेला 70 की स्पीड अकेला बैठ जाना। ऑलराइट, हम लोग सब एक ग्रुप फोटो बना रहे हैं और ये फोटो हम लोग अपने पेज पे भी अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम के, आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब ले ली है वापसी और ये माहौल देखो सामने थोड़ा सा गीला और जो कादा वाला एरिया है ना वहाँ पे, और ऐसे में एक्सपीरियंस लेने के लिए हिमालयन हमने एक्सचेंज कर ली है। और यस, वाकई में कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको चलाने में। ये जो धूल मिट्टी है ना, ये है पूरी नमकीन, हल्की सी अगर होठों पे या जीप पे लग रही है ना तो नमकीन नमकीन सी आ रही है। फिर से मेन रोड तो पकड़ लिया है, बट अभी रुके हुए हैं यहाँ पे इंश्योर करने के लिए पीछे कोई रह तो नहीं गया हो। अगर ऐसे में कोई अकेला रह गया तो भाई बल्ले बल्ले है। ऑफरोडिंग पे सही परफॉर्मेंस है यार इसकी। अब समझ में आ रहा है कैसे उस वक्त जब मैं क्लासिक पे बैठा हुआ था लोग ऐसे धड़ बिना ब्रेक दबाए चल रहे थे, क्योंकि ज़्यादा झटके लग ही नहीं रहे और कॉन्फिडेंस अच्छा मिल रहा है ऑफ रोड पे, और सही मिड रेंज पावर है यार। बस थोड़ी सी गियर शिफ्टिंग इसकी, पता नहीं इसकी है या सभी की है, बट हाँ गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड है, बाकी उसके अलावा चलाने में तो बहुत ही सही। अब सीन क्या हो गया है, हर्ष भाई जिनकी हिमालयन बहुत ज़्यादा चक्कर काट रही थी ना, वो हो गई है पंचर। अब हम ऐसी जगह पर अटके हुए हैं जहाँ दूर दूर तक ना इस वक्त ना पंप है, ना पंचर बनाने वाला है, ना और कोई हेल्प मिल पा रही है। कुछ गए हैं वापस, एक 22 हो रहे हैं, तो तब तक हम लोग थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग में मुझे तो ऑफिस जाना ही है। कुछ भाई हमारे साबू, इसका नाम हमने निकनेम रखा हुआ है, वो अपने अपने मैच खेलने में लगे हुए हैं। कोई गाड़ी आ रही है क्या भाई? देखना ऊपर से ना चढ़ी जाए। थैंक गॉड बच गए। अब ऐसे में क्या है, घंटा भर, दो घंटा, तीन घंटा, जितना भी लगता है छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। तो मीनवाइल सड़क पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम सुस्ता रहे हैं। जैसे तैसे जोड़ तोड़ के जुगाड़ करके कर लिया है, अब उसको फटाफट से देखो वो सामने, ऐसे हम लोग धक्का देके लेके जा रहे हैं। कुछ आगे हाईवे पे कोई पंचर वाला मिलता है तो वहाँ पे इसका सेटलमेंट कुछ करेंगे, तब तक के लिए तो भाई साहब ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा ये इस तरह से। थैंक गॉड रात को 2 बजे भी कोई पंचर वाला खुला हुआ है, और वो भी ऐसे बियाबान सुनसान जगह पे। आज तो इससे चाय भी दबा के पीने वाले हम लोग। बढ़िया कुल्लड़ वाली चाय मिल गई, पंचर बने नहीं बने, बट हाँ माहौल काफी अच्छा बना हुआ है, सब लोग साथ में बैठ के बकर कर रहे हैं। पंचर के लिए अभी बाइक देखो लगा दी है, अब देखते हैं क्या होता है। हर्ष मेरे भाई आओ जरा बैठो पीछे, दबाओ पीछे से दबानी पड़ेगी ये बात, इनको तो छोड़ दो। इधर कट पड़ गया, एक कट, दो कट, तो एक एक जगह पे यही मिल गए। मिलेगा नया ट्यूब मिलेगा अपने पास? ये 19 इंची है भैया, कहाँ से लाओगे ट्यूब? अब बदनाम कौन करे भाई साहब, वो जो पंचर बना रहे हैं ना वो भाई साहब देख के कंफ्यूज हो गए, ये कहाँ चलाई है। पूरी पिक्चर बिल्कुल फ्लैशबैक में चल रही है, रेट्रो स्टाइल में जो पुराने जमाने के तरीके होते थे ना पंचर बनाने के, पहले इसको घिस के थोड़ा सा नरम करते थे, फिर उसके बाद इस पे सोल्यूशन लगा के नया पंचर बनाते थे। संभव भाई साहब ने कुछ अच्छा सा जुगाड़ करके इसको कर ही दिया, अदरवाइज ये बन पाना मुश्किल था क्योंकि वो होल काफी बड़ा था। जो पंचर हम बोल रहे हैं ना वो एक्चुअली पंचर नहीं था, वो होल था। ये जो पीछे बैठे हैं ना उन्होंने पता नहीं कैसे चलाई है, भाई साहब भी पूछ रहे थे कि भाई साहब कहाँ चलाई थी गाड़ी, ये चलती कहाँ है, तो कूदती है ये चलाते नहीं, इसको कुदाते हैं ये।
अब आगे की कहानी यह है कि भाई साहब ने चलाई कैसे ये नहीं समझ पा रहे हम लोग, अरे पूरी ट्यूब पंचर है, तो अब दिखाओ जरा, 7-8 पंचर है, नया ट्यूब ही डालना पड़ेगा। समस्या यह है कि यह है 18 नंबर की और ये है रिम अपनी 19 नंबर की, 21 नंबर, 90-91 ये वाली, अब जो भी है 90 करते हैं कुछ जुगाड़। कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल कर दिया, 18 इंची को 21 में सेट कर दिया आपने। पीछे भी पंचर है, आगे जैसे तैसे बनाई, पीछे भी पंचर। चलो जी, हो गया फाइनली पंचर का भी काम, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे। रात के 3:30 हो रहे हैं। हाँ हर्ष बाबू, कहाँ चलोगे अब? सुबह के बज रहे 4:30 और इस वक्त दूर दूर तक कहीं कुछ भी खाने को भी नहीं मिल रहा है। सुबह के बज गए हैं 5:30, सुबह 5:30 बजे हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया है। अब यहाँ देखो उस तरफ देख रहे हैं, अब सुबह होने लगी है, रोशनी भी आने लगी है। अब यहाँ से अब सीधे अपने घर को जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर वापस ऑफिस भी जाना है और ये वीडियो भी एडिट करूंगा, फिर आप लोगों को दिखाना भी है। अब आज का वीडियो अपन यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ऐसे कुछ एक वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए खंबा खनी एंड खोरम जरिमया।